जी, सबसे पहले तो आज जिस तरह से कविता जी आगे आके महिलाओं के सपोर्ट के लिए, उनको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए दूर दूर तक जाकर पूरे भारत से लोगों को एक मंच पे लाके खड़ा किए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह से उन्हें सपोर्ट के लिए आज यहाँ पर पहुँचे हैं, और जो उन्होंने ब्यूटी विथ ब्रेन का जो उनका कॉन्सेप्ट है, ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। हम चाहेंगे कि लड़कियों को प्रमोट करें, जो टैलेंट है वो टैलेंट नहीं ले पा रहे, हम जितनी हेल्प कर सकते हैं हम बॉलीवुड में उतनी हेल्प कर सकते हैं। और जिस तरह से क्राउन आपके हाथ से लॉन्च होने वाला है, जो कल किसी के सर पे ताज बन के सजेगा, क्या कहना चाहेंगे क्राउन को लेकर, कितना अच्छा है? मैं मेरे लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं देखो, आप मीडिया के सेक्टर में आप पूछेंगे तो मैं आपको वो एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, मेरे को सिर्फ इतने बताया। तो और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें, मैडम अभी हमारी, मैंने अभी रिसेंटली मूवी की रूम में ओवर ऑर्डर, अभी हमारे तीन प्रोजेक्ट आ रहे हैं नेक्स्ट पर लिए, जो नवंबर में होगा। गैंग्स ऑफ लंदन है जो वेब सीरीज है, जो मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड संजय दत्त जी के साथ है, मार्च अप्रैल में, और एक शाद अली में डायरेक्टर है। तो ये मार्च, अगले साल मार्च तक हमारे तीन। आपने बताया आपके लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस, right, तो right. कैसा लगा इस तरह से आप? अभी मैम देखेंगे कैसा, वही तो पता नहीं इस चीज़ के बारे में, क्योंकि मैं कभी इस चीज़ में गया ही नहीं। तो ऐसी क्या वजह रही जो आपको यहाँ पर खींच कर लाई मैम? कुछ कविता जी में खुद भी टैलेंट होगा तो मैं आज यहाँ, तो वही बताओ, टैलेंट ही सब कुछ है। मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, मुझे वो ब्यूटी विद ब्रेन वाला कॉन्सेप्ट ही एक्चुअली अच्छा लगा, बिकॉज सारे ही लोग ब्यूटी को प्रमोट करते हैं, ब्रेन तो ब्यूटी और ब्रेन साथ में भी प्रमोट किया है, तो दिस इज गुड थिंग। सनी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, आप इसमें जूरी मेंबर हैं? मैं मिसेस कविता हेमंत राजवरकर, और मैंने मिसेस इंडिया वर्ल्ड पीस भी जीता है। इंडिया को मैंने फिलीपींस की धरती पर रिप्रेजेंट किया, और वहाँ से मैंने ये ताज अपने कंट्री के लिए लाया, तो वहाँ से ही मेरा ये जर्नी स्टार्ट हो गया। एक ग्लैमरस की दुनिया में पैर रखने के बाद ब्यूटी को भी और ह्यूमैनिटी को भी कैसे संजोग से लेके आगे बढ़े, इसका ये एक मेरे तरफ से मैं आपको एक उदाहरण बता सकती हूँ कि दुनिया में इंस्पिरेशन जो है वो ब्यूटी ही नहीं, तो ब्यूटी के साथ ह्यूमैनिटी भी होता है। वो मैंने मिसेस वर्ल्ड पीस की कॉम्पिटिशन में जाना है, वहाँ से आने के बाद मैंने परमार्थ डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन निकाला, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे कैंपेन ऑर्गेनाइज किए, जिसमें हमने एक वीक केयर हर करके कैंपेन ऑर्गेनाइज़ किया, जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस फॉर वुमेन हेल्थ के लिए था। जब हम महाराष्ट्र में कुछ जगहों पे जाके मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस की कैंपेन कर रहे थे, तो मुझे पता चला कि बहुत सारी वुमेन्स हैं जिनको ये सोशल वर्क करने की इच्छा है, जिनको मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस में योगदान देने की इच्छा है, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रही है, सामने आ नहीं पा रही है। तो हमने सोचा कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट के ज़रिए हम लोग उन सब महिलाओं को, राष्ट्र की, देश की, देश के हर एक राज्य से हर एक 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 महिला को हमने चुना है ये कॉन्टेस्ट में, और वहाँ से जो भी कंटेस्टेंट यहाँ पे आ रहा है वो ब्यूटी विद ब्रेन विद ह्यूमैनिटी का संगम लेके आ रहा है। तो हमारा जो एम है, ये आपके ये जो एम है वो करिश्मा, करिश्मा मीन्स करिश्मेटिक मदर, जो नाम है हमारे पेजेंट का वो है करिश्मेटिक मदर, और इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि इट्स लाइक ब्यूटी विद ब्रेन विद ह्यूमैनिटी का कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली हमने जो भी गर्ल्स यहाँ पे चुनी है, वीमेंस यहाँ पे चुनी है, वो इन तीन संगम से बन के आई है, और जो विनर रहेगी वो हमारे परमार्थ डिस्ट्रिक्ट फाउंडेशन की गुडविल एम्बेसडर रहेगी, और वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही नहीं, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए ही नहीं जाएगी, तो बल्कि यहाँ के जो भी कैंप, क्योंकि सारे एक दूसरे को टफ फाइट में हैं, सारे बहुत ही बहुत एकदम टैलेंटेड, एंड जैसे आई डोंट हैव एनी वर्ड्स कि मैं क्या बताऊँ, हर एक अपने से बढ़कर ही है, किसी को हम जज नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, टफ है हमारे लिए। क्राउन कितना प्यारा लग रहा है देखकर आपको, कि जब किसी के सर, बहुत खूबसूरत है, और किसके सर जाएगा ये हम नहीं बता सकते अभी, ये सीक्रेट है। लोगों को गांव-गांव में जाकर जो लोगों को चुनकर एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उन्होंने खड़ा किया है, ये ऐसे बोला जाएगा एक नारी शक्ति, जो हम एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ा रहे हैं, ये एक नारी शक्ति है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। तो कल के लिए 8 सितंबर को हमने एक वीक केयर हर करके कैंपेन का आयोजन किया था, जिसमें इन सभी लड़कियों ने बहुत 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 योगदान दिया है। उसमें से एक पोस्टर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जहाँ पे एक पोएट्री लिखी हुई है, उसको ये कर देना चाहती हूँ। वो वीक केयर हर करके हमारा जो कैंपेन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस कैंपेन, ये अभी से उसको बढ़ावा दे रही। सभी लड़कियों ने पिंक कलर के ड्रेसेस पहने थे उस कैंपेन के लिए, बहुत ही सुंदर, और एंजेलिक मेकअप किया था, जस्ट लाइक कि हम लोग एंजल है, परिया है, और साथ में ब्यूटीफुल, यानी परियों को भी जो
ज़रूरतें हैं जो एक विमेन हुड में चाहिए वो सब चीज़ें हम एक्सेप्ट करते हैं। जो स्टिग्मा था मेंस्ट्रुअल हाइजीन के बारे में, वो स्टिग्मा इन्होंने लोगों के दिल से दिमाग से निकाल दिया। इस तरह के पोस्टर हमने बना दिए हैं और साथ में सैनिटरी नैपकिन भी इन्होंने दिखाया कि इसका सही जगह पे, जैसे कि रिमोट और विलेज एरिया में यूज़ होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोगों को अभी भी सैनिटरी हाइजीन के बारे में पता नहीं है। तो इस तरह से हमने ये पोस्टर इनसे बनवाया, ये प्रोजेक्ट है इनका वी केयर हर के लिए। तो यहाँ पे जो भी जितनी भी महिलाएं यहाँ पे आई है वो खाली ब्यूटी को लेके नहीं आई, तो साथ में अपना सोशल जो योगदान है, राष्ट्र के प्रति जो योगदान उनको देना है वो भी दिमाग में और दिल में। क्या बात है। और फुल कॉन्फिडेंस के साथ इनको देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये फर्स्ट टाइम है जिनका, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बहुत हाई है। अभी भी अनवील हुआ है क्राउन, क्या कहेंगे क्राउन को देखिए क्या? क्राउन तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मॉडल्स जब ये लवली ब्यूटीफुल क्राउन मॉडल्स को मिलेगा, जब ये मॉडल्स ब्यूटीफुल एंड लवली मिस एंड मिसेस मॉडल्स रैंप पे वॉक करेंगे ब्यूटीफुल क्राउन के साथ, मैं आई एम वेरी एक्साइटेड। अच्छा, आप जज भी हो, आप तो क्या क्या क्वालिटी क्या क्या देख रहे हो उसकी, मिस हो या मिसेज हो, क्या देख रहे हो? तो बहुत सारी क्वालिटीज़ है, जैसे डांस में हो, एक्टिंग के एक्सप्रेशन है, मॉडलिंग के एक्सप्रेशन है, जब मॉडल रैंप वॉक कैसा होगा उनका, स्टेज पे आके वो कैसा परफॉर्म करेंगे, पोजेस कैसे देंगे, क्वेश्चन आंसर्स राउंड हो गए, क्वेश्चन आंसर्स राउंड में कैसा क्लियर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसे इतना ईजी नहीं होता है एक मॉडल्स को जज करना, फ्रेशर्स को जज करना, और कॉम्पिटिशन तो काफ़ी टफ है, काफ़ी सारी मॉडल्स हैं और ऑल ओवर इंडिया से आई है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि मुझे कविता जी ने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इतना अच्छा ब्यूटी पार्लर जज कर सकूं। क्राउन के लिए तो हम सभी हैं, बट लेकिन उसके बाद की जो जर्नी है उस चीज़ के लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, क्योंकि वो जर्नी बहुत ज़्यादा मायने रखती है मेरे लिए, मेरे लिए ही नहीं बाकी सारे जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं उनके लिए भी बहुत मायने रखती है, क्योंकि उनको कुछ मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा, उस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सोशल वर्क सबसे पहले मैं कविता गाइड को सब के बोल रही हूँ, क्योंकि मैं एक छोटे से जगह से बिलोंग करती हूँ और ये क्राउन तो मेरे लिए बहुत, ये शो ना मेरे लिए सबसे बड़ा शो है। अभी तक हमारे यहाँ शो वगैरह करेंगे जो लड़कियों को, तो मैम ने मुझे बहुत छोटी जगह से उठाया है और उन्होंने मेरी प्रोफाइल देखा बोला और उन्हीं की वजह से मैं आज इसकी इतने बड़ी प्लेटफॉर्म पर हूँ, तो मैं उनको बहुत बहुत आज रात को तो थोड़ी भी नहीं आने वाली और अच्छी बात है क्योंकि एक्साइटमेंट है बहुत ज़्यादा। और ऐसा पेजेंट जो सोशल वर्क को प्रमोट करता है बहुत रेयर है, क्योंकि सब लोग सिर्फ आंसर्स देखते हैं या फिर लोग कैसे वर्क करते हैं वो देखते हैं, एंड आई थिंक दैट्स नॉट व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ। व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ इज अ लिटिल हेल्प ऑन द फॉर दी अंडर प्रिविलेज्ड पीपल एज वेल। सो जो कविता मैम ने इनिशिएटिव लिया है बहुत अच्छा है एंड इसे और प्रमोशन मिलना चाहिए। जस्ट हम इवेंट को सोच के नहीं आए हैं, हम उसके बाद का जो सफ़र है उसको तय करना चाहते हैं, हम लोगों की सेवा करना चाहते हैं जिससे हम लोगों की अधिक से अधिक मदद कर सकें, जिससे हम गेट टुगेदर, हम पूरी लेडीज एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि हम कुछ बड़ा काम कर सकें, बड़े पैमाने में हमारे देश के लिए भलाई का काम कर सकें, और वो भी महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए स्पेशली। और सब कुछ ये सब क्राउन विनर है।
ऐसा नहीं कि बटरफ्लाई कोई नहीं है, सब लोग, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ क्राउन ही जीतना मकसद नहीं है, यहाँ पे जो कविता में उन्होंने बोला कि इसके पीछे एक मतलब हर एक चीज़ पैसा से भी नहीं होती है, एक ह्यूमन एक और ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि किसी को आगे बढ़ना है तो सिर्फ ये बोलते ना कुछ एक जरिया चाहिए, वो आज हम लोग को यहाँ पे मिला है बेसिकली, तो बहुत अच्छा लग रहा है और चलते हैं।